अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और इनकी बहन मानने को आप देखते हैं उनकी आवाज और उनकी आवाज के साथ वही वाहिद हाशमी। आज हम शहर बैंगलोर में पैलेस में वही पद शादी मान रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह के करम से सिस्टर ने जो है यहाँ पर हमारे उम्र और अपने का गरीमा हो चुका है और उनके जो मिसेस अरविंद सुबह खान है, इन दोनों का अल्लाह पाक ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बड़े पहले अंदाज में अल्लाह और सिस्टर ने और इनके माँ बाप की दोनों की मदद और इनकी मेहनत की मदद का बेहतरीन गरीमा हुआ है। तो चलिए आज हम बस नशा और आज से इनकी कितनी आवाज़ पूछते हैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। खुदा ने अपनी कुदरत का अजब नशा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हा तो कहीं दुल्हन बनाया है, ये दोनों आशिया से मुखर होके आए हैं, खुदा ने इनको अपनी कुदरत से बुलाया है। चलिए पूछते हैं हमारे नशा मुहम्मद की दिल की आवाज़ माँ बाप की मोहब्बत में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं परवाज में रखती है। ठीक है, सुनते हैं मोहम्मद बोलो साहब की दिल की आवाज मोहब्बत की मोहब्बत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे वालिद और वालिदैन मिले मेरे को। बस उनकी दुआओं की बदौलत से आज का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और उनकी दुआओं से और ऐसे और खुशियाँ हमने नसीब फरमाएं और उनको सलामत रखे। और मेरे दिल से दुआ है, मेरे पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया है कि ऐसे माँ बाप मिले मेरे को। तो मेरी बात खत्म करता हूँ, थैंक यू। और यहाँ पर हमारे अरविंद सभा खाना में हमारे मोहम्मद फारूक साहब के मिसेस आइडिया जो अल्लाह पाक का जोड़ा बनाया, चलिए उनसे पूछते हैं कि उनके दिल की आवाज़ उनके माँ बाप की मोहब्बत में। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आरस हमारे वर्ग में की आरस अरविंद ने भी अपने दिल की आवाज पेश की। इन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे अच्छे माँ बाप हूँ और माशाल्लाह हमारे फारूक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बड़े प्यारों मोहब्बत के साथ यहाँ पर अपने माँ बाप का शुक्रिया किया। और इनके मामू जो है एक बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है, जैसा कि हमारे जदीद भाई और जो जमीन अहमद भाई जदीद भाई अयूब भाई ये हमारे जो जुमे में जो पार्ट कर रहे हैं, हमारे जो राहत भाई के जो एक स्कॉल कर रहे हैं, ये उनके भांजे हैं। माशाल्लाह उनके मामू ने भी बहुत अच्छी सी शादी को कामयाब कर रहे हैं, बड़ा मारूफ सफर किया है, बहुत कुछ उम्मीद किया है। तो मैं हमारे अयूब भाई के लिए और जदीद भाई के लिए और हमारे जदीद भाई के लिए सबके लिए दुआ करता हूँ और हमारे नौशा मोहम्मद फारूक साहब के माँ बाप के लिए और हमारे आरस हरमें सभा खानों के लिए कोई दुआ करता हूँ कि अल्लाह पर इन लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, अल्लाह पर इनको नेक और साजा बना पैदा करे, अल्लाह इनके सफर इनके माँ बाप का साया हमेशा सफर रखे, अल्लाह इनको और खुशी आबाद रखे। और जिसकी शादी में कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं मोहम्मद फारूक साहब के वजह में हम सबका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और मेहमानों का शुक्र अदा करते हैं और दूसरे पर दुआ करते हैं कि अल्लाह पर इस जुड़े को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, क्योंकि इन शाला उसको हम भी मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की आवाज के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय बंदे मातरम।